देश दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माघ मेले का आगाज कुछ ही दिनों में हो जाएगा। 14 जनवरी से मकर संक्रांति का पहला स्नान है, तभी से माघ मेले का औपचारिक शुरुआत हो जाती है। देश दुनिया से संत महात्मा साधु संत एवं कल्पवासी प्रयागराज की धरती में संगम नगरी में आ जाते हैं। पूरा एक माह विधि विधान से धार्मिक आयोजन पूजा पाठ सारी चीज करते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं बात करें तैयारियों का, तो माघ मेले की तैयारियां हम आपको पहले सीधे दिखाते हैं कि किस तरह से ये तैयारियां चल रही। कहीं ना कहीं जो बारिश होने की वजह से और संगम में कहीं ना कहीं जो काम हो रहे वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बाद माघ मेले का आयोजन शुरू हो जाएगा। देश दुनिया से संत महात्मा आना शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हैं मेला क्षेत्र में पीपा का पुल बन के तैयार हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। इसके साथ साथ मेला क्षेत्र में तंबुओं भी लगना शुरू हो गया है। संतों का जो निर्माण है, तंबुओं का निर्माण है, वो भी बनना शुरू हो गया है, क्योंकि जो मेला है वो पूरा एक माह चलेगा और पूरे जो स्नान है उसमें संत महात्मा पूरे विधि विधान से स्नान करते हैं। और इस बार जो मेला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती का कारण रहा है बरसात, जिसकी वजह से मेला कहीं ना कहीं तैयारियों में बाधा बन रहा है। और मेला एक सकुशल हो इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है लगातार, क्योंकि मेला एक अच्छे तरीके से संपन्न हो। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का जो ये प्रकोप है, तीसरी लहर है, वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मेला प्रशासन और यहाँ के जो अधिकारी वो लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि बिना मास्क के कोई भी मेला में प्रवेश न करें। इसके साथ ही अपना कोविड टेस्ट का प्रमाण पत्र भी दिखाना निश्चित रूप से होगा। अगर हम तैयारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं मेला क्षेत्र में तैयारियां अभी लगभग 40% अधूरा कार्य भी बाकी है, क्योंकि 60% ऐसा काम है जो मेले में पूरे हो गए हैं। लेकिन अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो निर्धारित समय थे, वो समय 5 जनवरी था, उससे भी आगे दिन निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी काम मेला क्षेत्र में जारी है। और 14 जनवरी को पहला स्नान है माघ मेले का, तो अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि इतने कम समय में कैसे श्रद्धालुओं को व्यवस्था मुहैया कराएंगे। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।